हेलो एंड वेलकम गाइज, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं डीपी के टेक गुरु। अब किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपका जो बैंक खाता है वो आपका बैंक खाता डीबीटी के सीडिंग में होना चाहिए। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस तरीके से हमारा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होता है, उसी तरीके से यहाँ पर आपका जो बैंक खाता है वो डीबीटी से लिंक होना चाहिए, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो बैंक खाता है वो डीबीटी के लिए होगा, तभी आपका जो सरकारी बेनिफिट है वो आपके बैंक खाते में मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली यही चेक करने वाले हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि आपका जो बैंक खाता है वो सीडिंग में है कि नहीं डीबीटी के लिए। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि यदि आप अपने बैंक अकाउंट के सीडिंग स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए। यानी कि आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप बैंक अकाउंट में सीडिंग स्टेटस को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इस लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ऊपर में हम अपने आधार नंबर को इंटर कर देते हैं। आधार नंबर को इंटर करने के बाद यहाँ पर आप इस कैप्चा कोड को फिल करना है, और कैप्चा कोड को जब हम पूरा फिल कर देंगे उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक 6 नंबर का ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो अब यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर हम ऊपर में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपलोड डॉक्यूमेंट का, और उसके जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, और इसी से आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट सीडिंग में है डीबीटी के लिए। ये आप इसी से चेक कर सकते हैं, यहीं से चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये भी कंफर्म कर दूं कि आप यदि 2-3 बैंक अकाउंट में अकाउंट खोल रखे हैं तो किसी एक ही बैंक अकाउंट से आपका जो बैंक खाता है वो सीडिंग में होता है डीबीटी के लिए। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके सरकारी बैलेंस का पैसा कौन से बैंक अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देते हैं, तो अभी तत्काल हमें एक एरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आधार कार्ड का जो वेबसाइट है वो यहाँ पर ठीक तरीके से अभी काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें जो एक एरर देखने को मिल रहे हैं। यदि आप इसे बाद में चेक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो स्टेटस है वो चेक हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा बैंक खाता सीडिंग में है डीबीटी के लिए। आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही यहाँ पर हमारे द्वारा एक साइबर कैफे चलाए जाते हैं ऑनलाइन, जिसमें आपका जितना भी प्रॉब्लम होता है उसे ऑनलाइन सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। चाहे आपका कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाना हो, हम सभी काम हम अपने साइबर कैफे के द्वारा करते हैं। बस आपको ऑनलाइन संपर्क करना होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, तो यहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और मात्र 50 रुपया पे करके आप कोई भी काम को करवा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।